ये दिख रहा है आपको हरी मिर्च का एक छोटा सा पैकेट। तो भाई लोगों, अब ये देखिए आप, विश्वास नहीं होगा आपको, रजनीगंधा पान मसाला और पान पराग, क्या बात है जरा। तो दोस्तों नमस्कार, सलाम सत्रिया का, आज मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ की इंडियन शॉप, ठीक है ना। लोग आप लोग मैसेज कर रहे थे ना यार कि यहाँ पे इंडियन सामान मिलता है कि नहीं मिलता है। भाई मिलता है यार, बहुत दुकानें हैं यहाँ पे इंडियन दुकानें, मतलब इंडियन दुकानें नहीं, मतलब ये नहीं बोलूँगा इंडियन दुकानें, मतलब कुछ अरेबिक लोगों ने भी खोली हुई है और कुछ क्या कहते हैं लेबनीज लोगों ने भी खोली हुई है, कुछ इंडियन लोगों ने भी खोली हुई है, ठीक है ना। तो मैं दुकान दिखाऊंगा आपको, अपनी फेवरेट दुकान दिखाऊंगा जहाँ से जनरली मैं लेता हूँ। तो ये आप दुकान देख रहे हैं ना, ये दुकान है हॉट करी मार्केट। तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको इंडियन सामान आपको मिल जाएगा, इंडियन सामान। तो आप ये देख रहे हैं ना, तो ये आपको इंडियन सामान यहाँ पे सब मिल जाता है। तो दिखाऊंगा जो कि जनरली जहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये हॉट करी मार्केट ख़राब है, लेकिन जनरली कि मैं जहाँ पे जाता हूँ, तो मैं जो आपको पता होना चाहिए कि ये वासा के बारे में बता रहा हूँ मैं, वासा फिनलैंड। तो जहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, वो एक हमारे टर्की के दोस्त हैं, उन्होंने दुकान खोली है और बहुत अच्छा सामान वहाँ पे मिलता है, आप दिखाएंगे हम आपको यहाँ पे। और दुकान का नाम है एलो मार्केट। तो मैं इस दुकान के बारे में आपसे बात कर रहा था, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा इसके बारे में और आप क्या क्या सामान है यहाँ पे। वैसे तो बहुत सामान मिलता है, इंडियन के अलावा भी काफ़ी सारा सामान आपको मिलता है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि जो केवल जो इंडियन सामान है उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है ना। तो इंडिया हेलो, तो इंडियन सामान के बारे में मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है ना। देखिए भाई, ये दिख रहा है आपको हरी मिर्च का एक छोटा सा पैकेट, करीब करीब 4 यूरो 3.75, तो आप 350 रुपये की है ये हरी मिर्च, आप देख लो भाई। इसी तरह से लाल मिर्च सेम रेट है, वो भी छोटा सा पैकेट है, आप देख लो भाई, ये छोटा सा पैकेट है, ठीक है ना। लेकिन कम से कम मिल जाती है, बस ये है। इमली देख लो भाई, ये इमली है, इमली ये भी 350 रुपये की है, इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ, करीब करीब 350 रुपये, ठीक है। हाँ, कद्दू भी दिख रहा है भाई, ये देख रहे हैं आप, कद्दू कद्दू भी दिख रहा है आपको भैया। ये कच्चे आम है, हाँ कच्चे आम, मैं बताना भूल गया आपसे भाई, कच्चे आम सबसे महंगे हैं यहाँ पे, कच्चे आम 12 यूरो पर केजी। अब 12 यूरो पर केजी, इसका मतलब आप समझ रहे हो ना यार, 1000 रुपीज़, 1000 रुपया पर केजी, ओके। तो 1000 रुपया पर केजी है भाई, ठीक है ना, आम कच्चे आम की बात कर रहा हूँ। बाकी और आपको दिखाता हूँ, चूँकि हाँ ये मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि ये है जो लौकी, तो ये तो ठीक है, छोटी लौकी जो है ये 3.5, मतलब आपका वही हो गया आपका करीब करीब 300 रुपये पर केजी है ये आपकी, ठीक है ना, 300 रुपये पर केजी ये छोटी लौकी जो है, ठीक। और ये देखो बैगन भी है, छोटे बैगन, ये भैया छोटे बैगन है, बहुत छोटा सा पैकेट है, और ये 450 रुपये का छोटा सा पैकेट, आप देख लो छोटे छोटे से बैगन है जो कि 450 रुपये का, ये आप देख रहे हैं ना, ये 450 रुपये, ओके। बाकी और सामान भी है यहाँ पे, पालक भी है, ठीक है ना, और संतरे तो चलो नॉर्मल यहाँ मिल ही जाते हैं, लेकिन मैं वो दिखा रहा हूँ कि जो कि आपको और जो यहाँ के लोकल मार्केट में नहीं मिलेगा, वो केवल आपको यहाँ मिलेगा। तो अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं, ओके मैं खोलता हूँ ज़रा इसको, क्या है, हाँ भाई, तो ये आपका है धनिया, धनिया कोरिएंडर, और कोरिएंडर आपका समझ लीजिए कि आपका 200 रुपये का है, 200 का इंडियन करेंसी में बता रहा हूँ मैं, 200 रुपीज़ का। तो भाई चलो ज़रा सा स्पाइसेस देखने चलते हैं कि यहाँ पे भाई स्पाइसेस क्या क्या मिलते हैं, बाकी तो सब्ज़ी थोड़ी बहुत और भी है, पर चलो स्पाइसेस देख लेते हैं यार कि स्पाइसेस क्या क्या मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो स्पाइसेस देखते चलते हैं। ओके, तो भाई लोगों, अब ये देखिए आप, विश्वास नहीं होगा आपको, रजनीगंधा पान मसाला और पान पराग, क्या बात है जरा देख ले भैया, रेट देख लीजिए आप जरा, ये रेट है इनका 800 रुपये करीब है भाई, 800 रुपये रजनीगंधा और पान पराग का ये डिब्बा, ये छोटे छोटे ऐसे डिब्बे, ये भैया 800 रुपये के हैं, आप समझ लो भैया आप, ये हाँ भाई ये देखो भाई, ये छोटा सा बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा पान मसाला, छोटा वाला पान मसाला भाई भाई लोगो, ये है हमारा 300 रुपये का, अब आप देख लो भाई, ठीक है ना। एवरेस्ट हींग पाउडर,
एवरेस्ट हींग पाउडर भाई, भाई वाह, एवरेस्ट हींग पाउडर ये आपका भाई, इसका जो बड़ा वाला जो जो पैकेट है, ये बड़ा वाला डिब्बा, ये है भाई करीब 1000 रुपये का, 1000 रुपये का, आप देख रहे हैं ना, 1000 रुपये करीब है, ठीक है। तो बाकी और मसाले भी हैं, आप देख रहे हो, धनिया से लेके सौंफ से लेके आपका टर्मरिक सब चीज़, तो आपका करीब करीब 300-400 रुपये, मतलब कि छोटे पैकेट जो हैं करीब करीब इतने के हैं इन मसालों के, आपको नज़र पड़ जाती होगी सारे मसालों पे। मैं धीरे से आपको दिखा दे रहा हूँ, जिससे अब एक एक मैंने कहा क्या बताना है आपको, लेकिन आपको नॉर्मली पता चल जाएगा। धनिया से लेके आपको गरम मसाला, ठीक है ना, ये हर चीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ पे, हर चीज़ सारे मसाले, करी पाउडर, ठीक है। और स्पेशल आपको वो भी मिल जाएंगे भाई, अलग अलग डिब्बे जो आते हैं MDH के, उन्होंने कहा कि चिकन बटर मसाला, उन्होंने कहा कि चना मसाला, ये सारे भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं भाई जो ना मिलता हो। ये देखिए भाई, धनिया का क्या बड़ा, इसका जीरे का क्या बड़ा पैकेट है, जीरा पिसा हुआ, जीरा, जीरा पाउडर लिखा भी है भैया, देखो साफ साफ, ठीक है, बड़ा पैकेट है ये, ये करीब करीब 1000 रुपये का, 11.99 यूरो, ठीक है ना, ये 1000 रुपये का भाई, बड़ा वाला 1000 रुपये के करीब, ठीक है। और अब आपको स्पेशल जो मसाले हैं वो भी मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब यही केवल स्पेशल मसाले मिल जाते हैं, और भी देख लो ज़रा कि ये देखो आप, मिर्च भी आपको कई तरह की, रेड चिली, मतलब अलग अलग तरह की, और भैया महंगी है, थोड़ा सस्ती नहीं है, देखना ज़रा आप, 300-350 रुपये से कम नहीं है, भी छोटा छोटा पैकेट, खड़ी मिर्च, मतलब हर तरह की, और सॉल्ट भी आपको मिल जा रहा है, ठीक है ना। ये देखो भाई चिली के आप नज़ारे देखिए, आप हर तरह की चिली मिलेगी भाई लोगों, ये देखिए, ठीक है ना, ये देखिए भाई बिरयानी, और ये देखो आप रेडी टू ईट जो मिलते हैं बिरयानी के, ये देखिए बॉम्बे बिरयानी रेडी टू ईट, पालक पनीर, ठीक है ना। ये तो चलो ज़्यादा यार महंगे नहीं है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से इंडिया में भी सेम ही रेट होगा, ठीक है ना, 200-250, ये कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। तो ये पंजाबी छोले, ये देखिए आप भिंडी मसाला, ये देखो 200-250 रुपये में बने बनाए मिल जाते हैं, तो ये कोई बुरा नहीं मानता हूँ मैं। पंजाबी छोले, आलू मटर, चपली कबाब, कोफ्ता, देख रहे हैं ना आप, मज़ा आ रहा है ना, अरे मुँह में पानी ना लो, लाना तुम लोग यार, तुम बना सकते हो, यहाँ तो बड़ी मुश्किल होती है, फिर भी चलो मिल जाता है। ये देखो गोलगप्पा भाई, अरे ये तो मैं बता नहीं भूल गया भाई, गोलगप्पा, गोलगप्पा, और देखो उन्होंने यार थोड़ा सस्ते में लगा रखा है गोलगप्पे का काम, वैसे आपका है ये आपका करीब करीब 500 रुपये का, 450-500 का, ये थोड़े से गोलगप्पे 450-500 रुपये के मिलते हैं, पर आज थोड़ा सस्ता है, आज थोड़ा मिल जाएगा 350 रुपये में पैकेट, ये ठीक है ना, सस्ता लगा रखा है। गुलाब जामुन भी भाई पाउडर जो बना बनाने के लिए, गुलाब जामुन का पाउडर है बना बनाने के लिए, और बाकी आप देख रहे हो एवरेस्ट का शाही पनीर मसाला है, ठीक है, ये भी आज सस्ता है, आज इसकी कीमत, वैसे तो इसकी कीमत करीब 270 रुपये है, आज इसकी कीमत केवल 180 रुपये में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। इस तरह सांभर मसाला, तंदूरी मसाला, गरम मसाला, थोड़ा महंगे हैं पर चल जाता है काम, ठीक है ना। ये देखिए कई सारे चाट मसाला सब मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो ना मिलता हो। इवन आपका देखिए ये क्या है आपका, ये फिरनी मिक्स है, जो एक कोई स्वीट होता है उसको बनाने के लिए है शायद, पता नहीं मुझे, हाँ शायद उसी को बनाने के लिए। पापड़ भी देखो आप यार, ये देखिए पापड़, हर तरह के पापड़ है भाई, ये देखिए डिफरेंट तरह के पापड़, ठीक है ना। और मिर्चों का तो खजाना लगा हुआ है यार, अब मिर्च देखो मैंने छोड़ दिखा रखी हो, फिर देखिए अब बड़ी बड़ी मिर्चों के पैकेट, मतलब उनको पता है कि इंडियन जो है ना भैया बिना मिर्चों के नहीं रह सकते, चाहे वो कहीं भी रह लें, ठीक है ना, जरूर दिखाएंगे कि बहुत ही मतलब हेल्दी खाते ये खाते हैं, लेकिन यार सही बताओ यार बिना मिर्च के नहीं रहते हैं, कभी कभी उनको लगता है यार कि बिना मिर्च के नहीं रहा जाएगा। तो ये भाई कई तरह के आपके चावल हैं, बासमती चावल भी आपको मिल जाएंगे इसमें, कुछ इंडियन और पाकिस्तान के से आते हैं चावल, तो वो सब है यहाँ पे। जनरली यहाँ पे जो सामान आता है UK से आता है, क्योंकि UK मेन हब है, अब वहाँ पर चाहे जहाँ से आए, चाहे वो खुद मैन्युफैक्चर करे, चाहे इंडिया पाकिस्तान से आए, लेकिन मेन जो हब है वो आपका UK ही है, ठीक है। तो ये आपके कई तरह के चावल हैं, जैसे फलक है, ये है, तो मतलब हर तरह के, ठीक है, बासमती राइस आपका, ये देखिए आप, ठीक है। तो मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा रहा हूँ, वैसे बहुत तरह के हैं, अब आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ दाल। अब आते हैं दालों पर भाई लोगों, ये देखिए आप लोग यार दाल, मतलब हर तरह की दाल आपको लगभग लगभग मिल जाएगी, ये देखिए आप, मतलब ऐसी कोई दाल नहीं जो आपको ना मिले यहाँ पे, मैं ये कह रहा हूँ आपको, चने से लेके, ठीक है ना, मूंग की दाल, चने की दाल, उड़द की दाल,
लाल दाल, नीली दाल, पीली दाल, मतलब भाई ऐसी कोई दाल नहीं है कि जो ना मिले आपको। खड़े मसूर की दाल, खड़े मूंग की दाल, ठीक है ना। अच्छा कीमत आपको चलो बता देता हूँ। अब बात करते हैं जैसे मूंग की दाल की। ये मूंग की दाल का 2 kg का पैकेट है, 2 kg का पैकेट भैया है ये 700 रुपये का, 700 रुपये का है भाई, 700 रुपये का, ठीक है। लगभग लगभग सबके यही रेट हैं, 700 रुपये। ये देखो ये भी मूंग की दाल है, छिली हुई मूंग की दाल है, ठीक है। तो 2 kg का पैकेट 750 का, 750, ठीक है। और भी देख लो, ये थोड़ा सा महंगी है भाई, ये थोड़ा सा महंगी दाल है, तोर की दाल, तोर की दाल थोड़ी सी महंगी है, इससे थोड़ी सी महंगी है, ठीक है ना, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, लगभग लगभग बराबर है। लेकिन आप देख रहे ना हर तरह की दाल है, तो रेट आप समझ गए, 2 kg वही 750-750 करीब करीब इसी तरह का रेट है, ठीक है ना। और कुछ शायद चने की दाल होती है ना, वो थोड़ी सस्ती पड़ती है, वो करीब करीब पड़ती है आपकी 1 kg की दाल आपकी जो पड़ेगी वो आपकी पड़ेगी 160-170 ऐसी करीब की पड़ती है, वो थोड़ी सस्ती है। बाकी दाल है, राजमा, ये देखिए आप, राजमे का एक 500 ग्राम का पैकेट भैया ये है आपका 2.5 यूरो का, तो आप समझ लीजिए करीब करीब 220-230 का, ठीक है ना, ये राजमा। तो ये देखो राजमे की वैरायटी देखिए आप, हर तरह की, लाल, थोड़ा लाल, ज़्यादा लाल, वाइट, ये हर तरह के राजमा है। हाँ भाई, तो कैसा लग रहा है ना। तो हर सामान देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो जो मतलब यहाँ पे दिखा सकता हूँ। बाकी अब मैं आपसे बात करूँ अगर दियों की, तो भाई मैं दिए ले गया था यार दीपावली पे, दीपावली में मिट्टी के 3-4 दिए मुझे पड़ गए थे करीब करीब 200-300 रुपये के, समझ रहे हो ना, दिए, जो मिट्टी के दिए बता रहा हूँ मैं, वो 300-400 रुपये के पड़ गए थे यार जब मैं उसमें ले गया था दीपावली में, ठीक है ना। लेकिन कम से कम यार कुछ ना हो यार, मिल तो जाते हैं ना दिए, यही बहुत बड़ी बात है यार। चलो मैं दिए दिखा देता हूँ आपको। लो जी ये है आपके दिए, ठीक है ना जी, ये है जो दिए, समझ लीजिए आपके 3-4 दिए मुझे पड़ गए थे 300-400 रुपये के, एक दिए समझ लो छोटा 100 रुपये का यार। लेकिन चलो कम से कम मिल जाते, क्योंकि पिछली बार नहीं मिले थे मुझे, इस बार कम से कम दीपावली मिल गए थे ना, यही बहुत बड़ी बात है यार। हाँ भाई, तो नमकीन तो बहुत सारी है, मैं आपको जरा सब नहीं दिखा के एक दो दिखा देता हूँ, जो आपकी हल्दीराम की है, लोकल भी है आपको, बॉम्बे मिक्स, ये भी, चेवड़ा, मतलब यार हर तरह का मसाला मतलब आपको मिल जाएगा। पर मैं जो आपको, आपने बोला था कि थोड़ा हल्दीराम के बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है ना। तो हल्दीराम दिखाता हूँ भाई आपको। लो जी ये देखिए आप, ये हल्दीराम का पंचरत्न, ठीक है ना। कीमत 260 रुपये करीब, 260 रुपये भाई हल्दीराम का, ये जो है क्या नाम है, पंचरत्न, ठीक। हाँ जी, नेट वेट है इसका 200 ग्राम, तो 200 ग्राम आपका करीब है, ठीक है। तो ये आपका पंचरत्न भाई, और भी मिल जाते हैं जैसे आपका बाल्टी मिक्स, चेवड़ा, ये देखो चेवड़ा मिक्स, चेवड़ा मिक्स 2.9 यूरो करीब करीब 250 रुपये का चेवड़ा मिक्स, ठीक है ना, 400 ग्राम का पैकेट। पंजाबी मिक्स ये देखिए अब आप, ये देखिए भाई पंजाबी मिक्स, ये भी मिल जाएगा। बॉम्बे मिक्स, ये देखो बॉम्बे मिक्स है ना, बॉम्बे मिक्स। तो भाई ऐसा नहीं है, हर चीज़ें मिल जाती है भाई, थोड़ा सा रेट ज़्यादा होता है यार, लेकिन मिल जाती, कम से कम वो यहाँ तक लाते तो हैं यार, ये बहुत बड़ी बात है ना। अब आप सोच रहे होगे यार कि ये बताओ क्या इंडिया का डाबर आंवला मिलता है कि नहीं, डाबर वाटिका, डाबर आंवला है, नारियल का पैराशूट तेल, अरे यार तो क्यों नहीं मिलेगा भाई, सब मिलता है, ठीक है। तो एक नज़र इस पर मार लें, मिली है वाटिका से, ये वाटिका की छोटी सी बोतल 200 ml की 500 रुपये से ऊपर, वाटिका 500 रुपये से ऊपर, ठीक है। और आगे चलते हैं डाबर आंवला, ये भी 500 रुपये से ऊपर, छोटी सी बोतल, ठीक है। अब पैराशूट की तो बिल्कुल ही छोटी सी बोतल है आपकी 200 ml की, ये बोतल आपकी 3.5 यूरो, 3.5 यूरो मतलब समझ लीजिए कि 300 रुपये से ऊपर ही समझ लीजिए इसको भी, करीब करीब 300 ही समझिए, ठीक है ना। ये पैराशूट भी मिल गया भाई, ठीक। और भी आगे आप देखिए, और भी हैं, ये मुल्तानी, क्या है ये मुल्तानी मिट्टी, आहा देखो भाई मुल्तानी मिट्टी, आहा ये भी मिल गई, देखो ये देखो वाटिका के कई सारे स्टफ़ हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अगरबत्तियाँ भाई ये देखिए, अगरबत्तियों का खजाना, ये अगरबत्तियों का खजाना है, एक एक अगरबत्ती का पैकेट भैया 200-200, 150-150 रुपये का है, छोटा छोटा, ठीक है। तो 200-200, 150-150 रुपये का है अगरबत्तियों का पैकेट भैया आपका। कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं भाई मतलब आपको यहाँ पर। भुट्टा भी देख लो भैया, भुट्टा, ये जो दो भुट्टे हैं ना,
दो भुट्टे 2.5 यूरो के हैं दो भुट्टे, छोटे छोटे से। इन दो भुट्टों की कीमत 2.5 यूरो, समझ गए ना कि कितना हो गया, 2.5 यूरो। ये भी करीब 200 रुपये से ऊपर हो गया, 100 रुपये का एक भुट्टा। और वहाँ बेचारा हमें नींबू और नमक लगा के देता है, हम लोग क्या क्या उसको कहते हैं, अरे इतना महंगा क्यों दे रहा है, इसको और गर्म कर दे और छत वो कर दे और नींबू मार दे और ये कर दे वो कर दे, आप समझ रहे हो ना। अब आगे और क्या दिखाऊँ मैं आपको, वैसे तो बहुत सारा स्टफ़ है यार, पर मैंने कहा ये मेन स्टफ़ था जो वो आपको दिखा दूँ कि भाई हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पे। हाँ, और ये नूडल्स के तो बहुत सारी वैरायटीज़ है, मतलब चूँकि यहाँ पे चाइना का भी स्टफ़ मिलता है ना, तो चाइनीज़ लोग भी रहते हैं, वियतनाम के लोग भी रहते हैं, तो आप देख रहे हो ना कब कितना सारा स्टफ़ है। ये देखो नूडल्स, तो हर वैरायटी के नूडल्स हैं आपके। नूडल्स की कीमत मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता है, बहुत ही ठीक ही है यार, नूडल्स का कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये मैगी का पैकेट है भाई, ये मैगी का पैकेट है, ये देखो इंडियन नूडल्स, ये देखिए आप, ये लिखा है ना इंडियन नूडल्स, ये 3.5 यूरो का है, इसमें शायद 6 है तो 3.5 यूरो का मतलब समझ लीजिए आप, 300 रुपये से ऊपर है थोड़ा सा, तो ठीक है यार यहाँ के हिसाब से ठीक है। अरे आटा नूडल्स भी मिलता है मेरे भाई, ये ना सोचना कितने लोग आटा नूडल खाते हो, यहाँ भी आटा नूडल है ठीक है ना, भले ही थोड़ा महंगा है। ये 3.5 यूरो के 4 पैकेट इसके अंदर, 4 का है ना यहाँ, तो 3.5 यूरो का है, तो ये भी भाई जितने का, ये 6 का है ये वाला नॉर्मल, तो वो आपका आटे वाला भैया जो 4 का है वो रेट बराबर ही है उसके, समझ लो अब आप। तो भाई हर तरह के अचार है भाई, मिक्स्ड अचार है आपका, मैंगो पिकल है, मैंगो पिकल भैया है आपका करीब करीब 270 रुपये का, 260 रुपये का, 260-270 का, ये छोटी सी भी है शीशी जो है ठीक है। तो इस तरह से और भी अचार है, मतलब सारे अचार है, नींबू का, अदरक का, टोमेटो पिकल, जिंजर पिकल, जो वहाँ पे नहीं भी मिलते वो यहाँ पे मिल जाते हैं। आइए अब बात बताते हैं पोहा की भैया, ये है अपना पोहा ठीक है, पोहा लिखा भी है पोहा, 4.75 यूरो, हाँ जी 4.75 यूरो का है ये। और ये है आपका करीब करीब 1 किलो समझ लीजिए, 900 ग्राम है, तो 900 ग्राम है आपका, तो ये करीब करीब आपका पड़ा 400-450 रुपये का, ये पड़ा आपका 400-450 रुपये का ठीक है ना, 1 किलो पोहा करीब करीब। हाँ भाई यही रेट है, कोई भी कंपनी हो, TRS है, जैसे TRS की कंपनी है ये, और ये मदर रेसिपी है ठीक है, इन कंपनी के जो दो पोहे हैं रेट सेम ही है इनका ठीक है भाई। तो ये आपका पोहा हो गया, हाँ लाई भी तुम कहोगे यार, ये देखो भैया मुरमुरा, ये मुरमुरा वो भी बासमती मुरमुरा पैकेट भैया, ये भैया मुरमुरे का पैकेट इतना सा, ये भी 400-450 रुपये का है यार। ये भी 400-450 रुपये का है यार ठीक है। और भी सारे देखो राइस और भी है यार, ये देखिए राइस बासमती, अरे अरे भैया ये देखो भैया इंडिया गेट का राइस, इंडिया गेट बासमती प्रीमियम इंडिया गेट, कीमत ना पूछना, कीमत देख लो भैया, ये लिखी हुई है कीमत 15.99 यूरो 5 kg, तो मतलब भैया 1000 रुपये समझ लो, 900 से ऊपर 950-1000 रुपये का भैया ये है आपका 5 किलो का पैकेट ठीक है। तो ठीक ही है भाई, ये है इंडिया गेट का बासमती राइस, और भी हैं ये देखो कई सारे, और पहले भी दिखा चुका हूँ देखो आपको, ये बहुत तरह के राइस हैं ठीक है ना। ये देखिए आप थाई राइस भी है आपका, ये थाई राइस, जैस्मिन वाइट राइस, तो कई तरह के राइस भी हैं आपके। तो आटा भी देख लो भाई, ओहो, तो भैया 10 किलो का आटा 22.90 यूरो, तो भैया क्या बोलूँ मैं, करीब करीब 2000 रुपये का 10 किलो का आटा है ये, करीब करीब 2000 रुपये का 10 किलो का आटा, 2000 रुपये का ठीक है ना, चक्की आटा आप देख लीजिए भैया, 100% होल वीट फ्लोर चक्की आटा, समझ गए ना। और भी है मल्टी ग्रेन आटा ठीक है, ये है, ये शायद 5 किलो का पैकेट है, तो रेट लगभग लगभग वही है यार, 5 किलो का पैकेट 1000 रुपये का, 10 किलो का पैकेट 2000 रुपये का ठीक है ना। तो भाई ये सब सामान यहाँ मिल जाता है कुल मिला के, मेरे कहने का मतलब ये था, बेसन से लेके यार हर चीज़ मिल जाती है। बाकी यार आप लोग अब बताना भाई क्या क्या आपको और देखना है, तो वो भी आपको दिखाऊंगा मैं ठीक है ना, लेकिन कुल मिला के बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इतने सामान सब मिल जाता है, ये केवल एक दुकान नहीं है, और भी दुकान है, और जो ये दुकान है एलो मार्केट, ये मेरी है फेवरेट, एक दुकान और मेरी फेवरेट है वो यहाँ पे जो वासा जिम हाउस है, वासा जिम हाउस
उसके बगल में है, छोटी दुकान है लेकिन बहुत बढ़िया लोग वहाँ भी बहुत बढ़िया लोग हैं। और एक ये दुकान, ये दो दुकानें मेरी फेवरेट हैं, ऑनेस्ट हैं। बाकी और मैं कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ चूँकि दो जगह में बहुत आता हूँ और मुझे बहुत ही बढ़िया लगती हैं, ऑनेस्ट लोग लगते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो बाकी आप लोग और बताना भाई, जो आपको क्या क्या देखना है, क्या क्या देखना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊँगा। बाकी फिर मैं अभी लोकल मार्केट में भी बताऊँगा आपको, यहाँ के लोकल जो सुपर मार्केट्स हैं वहाँ पर क्या क्या सामान मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है, तो वहाँ के बारे में ही बताएंगे, ठीक है ना। तो अभी तो चूँकि मैं यहीं के बारे में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ जो इंडियन और वियतनामीज़ और जो कुछ अफ्रीका के ये जो सामान आते हैं, तो वो सामान जो मिलते हैं यहाँ पे, अभी मैं उनके बारे में ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी फिर देखेंगे कि और आपका क्या दिखाना है। वैसे अब दूसरी इंडियन मार्केट कभी जाएंगे तो वो दिखाएंगे, नहीं तो फिर अब अगला नंबर लोकल मार्केट का रहेगा भाई, कि लोकल मार्केट में दूध के दाम क्या है, अंडों के दाम क्या है, और लोकल मार्केट में क्या क्या सामान मिलता है जो इतना महंगा है, तो वो सब उसके बारे में बताया जाएगा यार, ठीक है ना। तब तक मजे लो, इन्जॉय करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो। शर्माओ नहीं यार, शर्मा पता नहीं लोग देख के निकल जाते हो यार, क्यों? अरे आज नहीं करा, कल करना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि चैनल तो बहुत चलना है यार, चैनल नहीं बंद होगा यार चैनल कैसे बंद हो जाएगा, ठीक है ना, चैनल तो चलना ही चलना है। तो यार सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मोटिवेट करोगे ना तो फिर रोज़ मिलेंगे वीडियो। अभी तुम लोग थोड़ा कम करो ना, तो फिर मैं दो तीन दिन में एक दिखाता हूँ। जब मुझे लगेगा यार धड़ाधड़ क्या लाइक और कमेंट भी मारो यार, फिर देखो जब कमेंट मारो कि मुझे ये देखना है, ये देखना, तो चाहे मैं कैसे भी टाइम निकालूंगा ना यार, दिखाऊंगा जरूर, चाहे कुछ हो जाए, ये ध्यान रखना, चाहे कुछ हो जाए मैं टाइम निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो जरा लाइक मारो, शेयर मारो यार, सब्सक्राइब करो, भेजो यहाँ वहाँ, दोस्तों को बताओ यार कि डॉक्टर कैट का चैनल है ये, देसी टीचर इन यूरोप, ठीक है। दूसरा जो चैनल है अपना यार एजुकेशन और वो वाला जॉब वाला, वो उसको भी सब्सक्राइब करना भाई, शेयर करना, क्योंकि उसमें मैं देख लो मैं सारा आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोग जिनका मन है यहाँ पढ़ने का, जॉब पाने का, किस तरीके से मैं वो इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूँ, उसको भी सब्सक्राइब करो। देसी टीचर इन विदेश नाम है उसका, उस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है ना। उसमें भी वीडियो डाले हैं मैंने। तो यार देखो दोनों चैनल मैनेज कर रहा हूँ ना एक साथ, अकेले कर रहा हूँ यार, टाइम निकाल रहा हूँ, बना रहा हूँ, ठीक है। तो आओ फिर यार, करो जरा सब्सक्राइब शेयर, ठीक है ना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय कर देता हूँ जरा, जो हमारे दुकान वाले भाई हैं उनसे भी जरा बाय बाय करवा देता हूँ, ओके, जरा वो भी बोल दें। सो टेल जरा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हेलो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई, सब्सक्राइब दिस चैनल, यस, ओके ओके। तो वो थोड़ा सा अभी अचानक पहुंच गया, थोड़ा सा स्कैर्ड हो गए, लेकिन थोड़ा सा अंग्रेजी की भी उन्हें हल्की सी वो है, तो खैर प्रॉब्लम, लेकिन आप ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।